कृष्णा, कल एक वीडियो डाला था मैंने जिसमें बताया था कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम बहुत प्रकार की समस्याओं से मुकाबला कर सकते हैं, और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक भक्त का प्रश्न आया है कि यदि हमारा मन पावरफुल है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसके बारे में माता जी, आपका क्या विचार है, कैसे ये मेल खाता है? तो देखिए, ये बात सच है, विल पावर का स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन विल पावर स्ट्रांग अगर हुआ भी और हमारे हमारे शरीर में कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है, तो हमारा ध्यान बार बार जाएगा शरीर की तरफ। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ध्यान हम नहीं करेंगे हमारे शरीर का और हम सिर्फ विल पावर पे काम कर पाएंगे, नहीं। तो शरीर को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है, जिसके लिए प्रॉपर प्रसादम होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर नींद होनी चाहिए, सब चीज़ का समय निश्चित होना चाहिए, खाने का, सोने का, उठने का, जो भी कार्य करते हैं। तो ये व्यवस्थित जीवन अगर हम जीते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। शरीर जब ठीक हो गया तो मन को क्या करें? तो मन, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो 50% तो ऑटोमेटिकली मन हमारा स्वस्थ रहेगा। अब जो उसको ट्रेनिंग देनी है मन को, वो ये ट्रेनिंग देनी है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है या हमको शास्त्रों का ज्ञान लेना है। ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं शास्त्रों का, तो मन सही दिशा में चलता है। यदि हम हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो शरीर कितना भी स्वस्थ रहे, मन कुछ गलत प्लानिंग करेगा और उस गलत प्लानिंग के अनुसार कार्य करेगा। इसीलिए मन का रोल तो है, पर मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कैसे आपको भगवान की सेवा में जुड़ना है। और वो ट्रेनिंग हमको मिलती है गुरु, साधु, शास्त्रों के द्वारा। अच्छे वैष्णवों का संग करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना और शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब करने से मन में प्रकाश प्रकाश आता है, ज्ञान आता है। ज्ञान, और जब ज्ञान रहता है, विवेक रहता है, तो मन सही दिशा में कार्य करता है। शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी है और मन का भी स्ट्रांग होना जरूरी है। सही दिशा में मन को कार्य करना भी जरूरी है। तो विल पावर अच्छी बात है, पर शरीर भी स्वस्थ होना जरूरी है। और विल पावर यानी हम जो सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, वो शक्ति भी स्ट्रांग होनी चाहिए। पर हम निर्णय क्या लेते हैं, ये हमें शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है। तो ये सबका रोल है और हर हर पहलू के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन या भक्त का जीवन जी पाएंगे। हरि बोल।